जय दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव हरीश चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने प्लासी का युद्ध का वीडियो बनाया था और आज जो वीडियो है वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध बहुत ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इस युद्ध के बाद पूरे भारत पे कब्जा कर लिए थे। और देखिए भैया, आधुनिक भारत से आप अगर SSC या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या PCS की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आधुनिक भारत से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मजबूत कर लीजिएगा। और एक चीज और भी है, अगर आपने प्लासी का युद्ध का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, तब समझ में अच्छे से आएगा बक्सर का युद्ध। नहीं तो कहिएगा ले बिलैया समझ में नहीं आ रहा है, समझे? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, प्लासी के युद्ध में हमने क्या देखा, यही देखा कि भैया जो लॉर्ड क्लाइव थे प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को हरा दिए, और मीर जाफर जो सिराजदौला के धोखेबाज सेनापति थे उनके बेटे मिरर ने सिराजदौला की हत्या कर दी। तो अब लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया कि भाई मीर जाफर तुम बहुत धोखेबाज इंसान हो, इसीलिए तुम बंगाल का नवाब बन जाओ। मीर जाफर बोले आइस, अब का मजा आ गया यार, धोखेबाज का मतलब फायदा मिला इनको। मीर जाफर को बंगाल का नवाब अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया। अभी बताइए, सब कुछ फ्री में मिलल है। जब फ्री में मिलल है तो मीर जाफर बोले आए का अंग्रेज भाई का चाहिए आपको, ले लीजिए 24 परगना की जमींदारी आपके नाम आई रहे। दूसरा चीज, फ्रांसिस आपके दुश्मन है, उनकी सारी बस्ती आपके नाम। और लॉर्ड क्लाइव जी, आपने बड़ा बहुत सहयोग किया है भाई नवाब बनाने में, इसलिए मीर जाफर ने लॉर्ड क्लाइव को 20 लाख रुपए दे दिया पर्सनल भेंट, यानी पर्सनल लोन नहीं करते, भेंट नहीं, गिफ्ट। अब लॉर्ड क्लाइव 20 लाख रुपए लेकर चले गए इंग्लैंड, यहां से इंग्लैंड चले गए वो, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए किसी भी इंसान को बहुत फायदा कैसे होता है ना, तो सोचता है और फायदा ले, मिल। अभी ये आदमी जो थे ये थोड़ा ज्यादा मतलब अय्याशी में थे और अंग्रेजों की मांग बढ़ते जा रही थी। अभी बोला कहां से दे देगा, सब कुछ तो दे दिए, और मांग पे मांग बढ़ रहा था और जरूरत पूरा कर नहीं पा रहे थे, राजकोष धीरे धीरे खत्म होते जा रहा था। और इत्तेफाक देखिए, 3 साल के बाद इनके बेटे का भी निधन हो गया बीमारी के कारण, कोरोना नहीं था उस समय लेकिन कुछ था, बीमारी के कारण इनके बेटे का निधन हो गया। थोड़ा दुखी रहने लगे, अब इतना दुखी रहने लगे कि अब वो सोचिए क्या होगा आगे। देखिए, ससुर जी के दुश्मन जो होते हैं ना, दामाद होते हैं, बहुत भयानक दामाद जो दुश्मन होते हैं। तो इनके दामाद थे मीर कासिम बोले अंग्रेज से, एक जी, तो अंग्रेज बोला का जी, ऐसे देखिए हमारे ससुर को बैठेले हैं, इनको कुछ आता होता है नहीं, झूठो मुठे को बैठेले हैं, सीधे हमको बैठाइए, बहुत फायदा कराएंगे। अंग्रेज बोला रहे सही में, एक मिनट रुक जाओ, यहां देखिए मीर कासिम अगला बंगाल का नवाब बने। यहां पे अंग्रेजों का जो मांग है मीर जाफर पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अंग्रेजों ने कहा जाफर उतरो, मीर कासिम बैठो, और सीधे घोषित कर दिए। और यहां तक कि उस समय जो गवर्नर थे, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड जा चुके थे, यहां देखिए उस समय गवर्नर थे क्या, वैसी टाट, उन्होंने कहा ये घटना जो है ना वो 1760 की क्रांति है, यानी ससुर को हटाकर दामाद को बैठने की क्रांति को केवल क्रांति कहा गया ना, ठीक है भाई। मीर कासिम बैठ गया, सोचिए लगा ए हो, बोला का हो, मन में सोच रहा था कि जैसे सिराजदौला को हराया गया, हमारे ससुर जी को भी हटा दिया गया, हमारा बैठा दिया गया, तो हमरो तो उतारा जा सकता है, इसीलिए पहले अपना हाथ मजबूत करो, इतना मजबूत करो कभी अंग्रेजों आएगा सरना तो पीट देंगे। यानी वो चाहता था कि अंग्रेज के नजरों से हटते हुए कुछ ऐसा प्रशासन मजबूत करे या ऐसे संगठन करे जिससे हमारी ताकत बढ़ जाए और हम लंबे समय तक नवाब बने रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, आप जानते ही हैं। यहां पे देखिए, मीर कासिम नवाब बने तो पहले काम करना क्या होगा, जो आपको नवाब बनाया है उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। तो देखिए, उस समय एक कार्यकारी गवर्नर थे जिनका नाम था हॉलवेल, उनके साथ समझौता हुआ था। अब समझौता में इनको गिफ्ट मिला, क्या मिला, BMC बंबई नगर पालिका, मतलब BMC देखिए वर्धमान मिदनापुर और चंडगांव, तो हो गया ना BMC
बीएमसी दे दिए भाई, और सब कुछ देने के बाद अंग्रेज भी खुश थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन मीर जाफर के दिमाग में खुरपात चल रहा था कि भैया अपना हाथ कैसे मजबूत करें। तब उन्होंने कुछ कार्य किए। अब क्या क्या कार्य किए? पहला कि भाई कैसे टैक्स मतलब पूरा राजघराना मतलब राजकोष उनका पैसा भरे, इसके लिए बहुत सारे काम करते गए। साथ में उन्होंने क्या किया कि भैया अंग्रेज से पहले छुप के दूसरे जगह रहो, मतलब अंग्रेज के नजरों के बीचों में ना रहकर साइड में रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर की। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की, लेकिन पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि मुर्शिदाबाद राजधानी किसने किया था, पता है आपको? मुर्शिद कुली खान है। क्योंकि पहले राजधानी था ढाका, ढाका से हुआ मुर्शिदाबाद जो मुर्शिद कुली खान ने किया था, और मुर्शिदाबाद से फिर हुआ मुंगेर जो मीर कासिम ने किया। अब भाई नजर से छिप के बच के रहने लगे, अब सोचने लगे सैनिक गठन करो, और यूरोपीय पद्धति से यूरोप क्या करने लगे, अपना आधुनिक ढंग से सैनिकों का गठन करने लगे कि अंग्रेजों का आवेगा तो लड़ाई भाई बढ़िया से कर लेंगे। धीरे धीरे तो बनाने लगे, बंदूक बनाने लगे, इतना भयानक बंदूक बनाने लगे कि आज भी मुंगेर का बंदूक बहुत फेमस है। सुनने में आता है कि मतलब वहां का बंदूक पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, आज भी इतना फेमस हो। तो बंदूकों का निर्माण करने लगे, लड़ेंगे। और फिर धीरे धीरे ये काम कर रहे थे, अंग्रेज के नजर में भी आ रहे थे धीरे धीरे। लेकिन अंग्रेज को गुस्सा कब आया? जहां पैसा का बात आता है। देखिए आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि फर्रुख सियर ने एक फरमान जारी किया था 1717 में। वो क्या था कि 3000 रुपया दे दीजिए और आपको एक पास दे देंगे, सीमा शुल्क आपके लिए माफ रहेगा। अब अंग्रेजों के लिए सीमा शुल्क माफ और भारतीयों के लिए सीमा शुल्क लगेगा। अंग्रेज कहीं भी जाता था इससे जाते थे कि हमारा सीमा शुल्क माफ है, और भारतीय कहते थे हमारा लगेगा, हो सीमा शुल्क लगेगा का ताला लगेगा नहीं तो माफ। मीर कासिम ने यहीं पे ये किया कि सुनो भाई अपना भारतीय जो व्यापारी है उनके लिए भी कोई टैक्स नहीं। यहां देखिए सभी आंतरिक व्यापार के लिए जो शुल्क थी वो सब समाप्त कर दिए। अब अंग्रेज भी ऐसे जा रहे थे तो पीछे से भारतीय भी ऐसे जा रहे थे, हमें ना लगता है क्या कर लोगे, तो सब कहना फ्रस्ट्रेट होता रहता है, जान लीजिए भावनाओं को समझ लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से जब ये काम किए ना तो अंग्रेज बोला लोग कि मीर कासिम ठीक नहीं है, जाफर ठीक थे। अब फिर क्या किए कि भैया मीर कासिम उतरो, और उनके ससुर जी को फिर से बैठा दिया गया, यानी मीर जाफर फिर से बंगाल के नवाब बन गए और मीर कासिम आ गए रोड पे। ये बोले कि अच्छा सैनिक गठन कर रहे हो, लड़ाई होगा, बहुत बड़ा लड़ाई हुआ, मीर कासिम बहुत बार हार हो गए। अब हारते हारते बेचारा भागने लगे छिप छिप के, और चले गए पटना में। पटना में छिपल थे अंग्रेज पीछे से, फिर पटना आ गया। तब मीर कासिम ने कुछ लोगों को वहां पर अंग्रेजों को काट के मार दिया था, यानी अब और धीरे धीरे अंग्रेजों को गुस्सा आ रहा था कि मीर कासिम कहीं भटावे रथ काट देंगे। युद्ध बहुत लगभग छोटा मोटा युद्ध हमेशा चलते रहा। अब मीर कासिम सोचेगा शरण लेने के लिए कहा जाए, तब वो इलाहाबाद यानी अवध और अवध के राजा थे सुराजुद्दौला। मीर कासिम वहां पहुंचे, बोले सुराजुद्दौला जी, बोला हाँ बोलो, अंग्रेज बहुत खतरनाक है, सब एक काम करते हैं, हमारी सैनिक और आपका सैनिक मिलकर लड़िए, हम पैसा देंगे, सहयोग करेंगे पूरा, हम मिलकर लड़ा जा अंग्रेज के खिलाफ। सुराजुद्दौला बोले ए हो एक काम करे, बोला का आए हैं मुगल के बादशाह शाह आलम सेकंड, बोला अच्छा वो भी है का, बोला हाँ, तो तीनों को बैठ के मीटिंग किए लो कि क्या करते हैं, मुगल का सेना अगर रहेगा, अवध का रहेगा, मीर कासिम का रहेगा, ईट अंग्रेज को तो हराइए देंगे। लेकिन कहा जाता है भैया तीन सेना, तीनों सेना का नेतृत्व तो तीनों में एकता तो हो ही नहीं सकता है। एवं कहता है एवं तू कहां से, हम मीर कासिम सेना के हैं, हम तो मुगल के हैं। ऐसे करके वो एक कभी हुए नहीं, भले तीनों साथ लड़े थे, सिर्फ लड़े थे लेकिन एक नहीं हुए थे। तो यहां पर इन्हीं तीनों सेनाओं का संयुक्त सेना जुटा और सामने अंग्रेज थे, देख रहे युद्ध हो रहा है। तो एक तरफ संयुक्त सेना में देखिए मीर कासिम था, मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड थे, और अवध के नाम नवाब सुजाउद्दौला थे,
और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व करने वाले थे जो तीन दिन पहले ही नियुक्त हुए थे, जिनका नाम था हेक्टर मुनरो। देखिए ये युद्ध जो हुआ था अंग्रेज के युद्ध कौशल पे माना जा सकता है, क्योंकि पलासी का युद्ध आपको पता है वो तो खाली धोखाबाजी वाला था, मतलब एक तरफ इत्तु सेना था लेकिन इतना धोखा किए थे लोग कि सेना जो हार गया, लेकिन यहां पे तो भाई युद्ध हुआ था सही में, लोग सही में युद्ध सही हुआ लेकिन टैलेंट के दम पे जीता हेक्टर मुनरो ही, और ये तीनों सेनाओं हार गए, तीनों सेना हार गए। अब भैया इन दोनों का मुंह लटक गया, अब करे तो करेगा, जब सुंदर करे तो करे क्या, अब आगे क्या हुआ? यानी अब आप सोचने वाली बात है कि छोटका बंगाल पहले जीते थे पलासी के युद्ध के बाद, यहां तो हमारा बड़का मछली फंस गया। बड़ा मछली कौन था? शाह आलम यानी मुगल। अब मुगल जो फंसने का मतलब है पूरा भारत तो बहुत अब खुशी मना रहे थे, अब तो बड़का मछली फंस गया है, अब यहां से अब कहानी शुरू करते हैं। अब आगे क्या हुआ? अफसर के जो नवाब थे मीर जाफर, 1765 में उनकी मृत्यु हो गई। अब अंग्रेजों ने कहा कि भैया मीर जाफर का कोई बेटा उठा है? तो बोला हाँ है, नजीमुद्दौला है। और उनको बोले जा बेटा बेटा जा बैठ जा नवाब बन जाओ, ज्यादा चुच्चा मत करो ना, बता देते हैं तो जैसे ही सब हुआ ना तो बस। तो बोला ना ना हम ऐसे ही रहेंगे भाई, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम बस जो जैसे बोलेगा वैसे ही रहेंगे, ये वैसे ही रहने लगे। और उसके बाद कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव बोले कि अब तो आओ बेटा भाई, कौन कौन लोग हैं, मतलब जो जो युद्ध हारे हैं, तो मीर कासिम तो वहां से हार गए थे, तो यहां पर शाह आलम पकड़ा गए थे और शुजाउद्दौला पकड़ा गए थे। तो लॉर्ड क्लाइव फिर 65 में आ गए, यानी प्लासी के युद्ध के बाद सीधे 65 में टपक आए, और लॉर्ड क्लाइव जब बंगाल में आए तो वही बंगाल के गवर्नर बनाए गए। और उसके बाद संधि हुआ, दो संधि हुई इलाहाबाद के नाम से, एक इलाहाबाद संधि 1 और इलाहाबाद संधि 2। 1 जो हुआ था वो शाह आलम के साथ हुआ, और जो 2 हुआ वो हुआ शुजाउद्दौला के साथ। यहां देखिए पहला संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765 को, किसके साथ हुआ? तो शाह आलम के साथ हुआ। अच्छा शाह आलम को एक उपनाम से भी जाना जाता है, अली गौहर, ठीक है, अली गौहर के नाम से भी इनको जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। ये देख लीजिए फिगर, ये है भाई शाह आलम जी। अब संधि के अनुसार क्या हुआ? बंगाल बिहार उड़ीसा की जो दीवानी है अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। दूसरा चीज क्या कहता है भाई, शाह आलम को इलाहाबाद और कड़ा जो अवध से था, अवध के पास था, वो इनको प्राप्त हो गया, यानी शाह आलम को दे दिया गया। यहां पर एक जवाब भी है, अंग्रेजों ने मुगल को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। एक चीज और भी है, यहीं से मुगल शासक जो थे ना वो पेंशनधारी हो गए, कहेंगे भैया आप टेंशन मत लीजिए, चुपचाप बैठे रहिए और खाली पेंशन लीजिए, समझे? ये कासिम कहां से आ गए भैया कि जिसमें शाह आलम भी पकड़ा गए और ये भी बेचारे पेंशन लेने लगे। अब आते हैं आगे, इलाहाबाद संधि 2 जो 16 अगस्त को हुआ था। अब ये हुआ था शुजाउद्दौला के साथ, इसमें भाई जो आपको इलाहाबाद और कड़ा जो इनके पास था वो किसको दिया गया? शाह आलम को। दूसरा चीज कि शुजाउद्दौला को कहा गया कि भैया युद्ध में बहुत क्षति हुआ है और क्षति का भरपाई आपको ही करना पड़ेगा, 50 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ा शुजाउद्दौला को, ठीक है। और एक चीज और भी है, अंग्रेज बोले आपको सुरक्षा चाहिए, अब कहते ना लेना पड़ेगा, अंग्रेज बोला लेना पड़ेगा, अच्छा भाई दे दीजिए, ठीक है ठीक है। सुरक्षा के लिए उनके बस चारों तरफ सैनिक दे दिया गया, और सैनिक का खर्च भी नवाब को ही देना पड़ा। इसका मतलब पता समझ रहे हैं, सैनिक का जो खर्च अंग्रेज उठा रहे थे वो नहीं चाहते थे कि इनका खर्च उठाए, वो नवाब उठाए, लेकिन सैनिकों का काम करेगा अंग्रेजों का दिमाग कितना तेज, देख रहे हैं ना, यही चीज होता है। उसके बाद ये दोनों संधि होने के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि बक्सर के बाद पूरे का पूरा भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ। और उसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, द्वैत शासन की शुरुआत, यानी 2 शासन, ठीक। अब एक चीज देखिए, एक तरफ होता है प्रशासन और एक तरफ होता है पैसा, दोनों पय पय से है। तो यहां पर कहता है द्वैत शासन का मतलब प्रशासनिक दायित्व जो है वो बंगाल के नवाब के हाथों में दे दिया गया, एक हो गया। दूसरा, लेकिन राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास रखी। 2 शासन हो गया ना, यानी पैसा रखेगा ब्रिटिश और प्रशासन संभालेगा ही, ठीक।
और ये भी कहा जाता है कि द्वैत शासन के जनक कौन थे, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, नोट कर लीजिएगा। लियोनल नेल कर्टिस को माना जाता है और इनकी पुस्तक ये थी। यहां पे और भी है कि लॉर्ड क्लाइव ने दीवानी का भार सर बंगाल में जो दीवानी का भार किसको दिए थे तो मोहम्मद रजा खां, और बिहार में किसको दिए थे तो राजा सिताब राय। ठीक, ये राजा सिताब राय को दिया गया दीवानी, दिया गया मतलब संभालने के लिए। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको नोट करने होंगे और आप नोट जरूर कर लीजिएगा, और नोट करने से पता क्या है याद भी होता है। तो वीडियो कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगेगा और आप सहयोग कीजिएगा तो मैं लगातार ऐसे ही आवेदन क्रम बाय क्रम आपको वीडियो देते रहूंगा। क्या अच्छा लगा क्या खराब लगा ये मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइए, क्या कि पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत फैक्ट सोचने पड़ते हैं, बहुत ये सब कुछ इसमें टाइम लगता है। तो आपको ये पीडीएफ अच्छा लगा या जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा आप मुझे जरूर मैसेज करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।